नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमामिहम हे मम सौहाद्र हे आर्यवर्त राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों नौजवान साथियों मेरे बड़ों मेरे गुरुजनों आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरा वंदन है। पुनः फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में। आज हम बात करेंगे कि अम्लपित्त किसको बोला जाता है, अम्ल उद्गार क्या है और वैदिक चिकित्सा जो सिद्धांत था और जो आधुनिक चिकित्सा सिद्धांत है उसको आपस में किस तरीके से क्या लक्षणों पर इसको आप जानेंगे कि आपको यह अम्ल उद्गार अम्लपित्त क्या है और अब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार इसको क्या कहते हैं। तो जो हाइपर एसिडिटी के नाम से जिस रोग को आप जानते हैं, एसिड का रिफ्लेक्स बार बार बढ़ जाता है, कुछ खाने पर तुरंत जो खट्टी डकारें आती हैं उसको अम्ल उद्गार बोला जाता है। और अम्लपित्त हाइपर एसिडिटी में कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को रोगी को बहुत ज़्यादा उल्टियां लग जाती हैं। तो ऐसा रोग ऐसा होना अपने आप में पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स का कम हो जाना होता है, जिसके कारण जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स नीचे की तरफ होनी चाहिए वह नहीं होकर वो ऊपर की तरफ होने लग जाती है। तो एक ऐसे रोग का आना, ऐसे सिम्टम्स का एक रोगी का बताना, तो वह अपने आप में बताता है कि रोगी को पित्त की ज़्यादा अत्यधिकता हो गई है। ऐसा होना या तो उसको कब्ज है, मल का अवरोध है या विबंध है, या अगर वो भी नहीं है तो ऐसा जो लक्षण उस रोगी में आता है वह सिर्फ उसको आता है जिसको पेंटाप्राजोल और पेंटोप डी डोमपेरिडोन दिया जाता है और बहुत लंबे समय के अंतराल के पश्चात जब है उसको छोड़ता है तो खट्टी डकारें उल्टियां, तो इस तरीके के सिम्टम्स उसको धीरे धीरे आने लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रकोपित अवस्था जो वात की और पित्त की है वह हमारे भोजन के खाने पीने के कारण है। अध्यसन विषमाशन और शमशन जो आता है कि यदि आपने भोजन को एक समय पर दो रोटी खाई हैं और दूसरे समय पर आप चार खा रहे हैं तो इस तरीके से आपको रोग बढ़ जाता है। भोजन के बगैर पचे हुए आपने पुनः भोजन का दोबारा सेवन कर लिया, वह भी एक प्रकार के विष को बनाने में शरीर में बहुत ज़्यादा कार्य करता है। कभी खट्टे पदार्थ और कभी दूसरे अन्य वात प्रकोपित आहारों का बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया है, वह भी आपके अंदर अम्लपित्त रोग को बढ़ाता है। तो इस रोग को अगर आप शरीर से छुड़ाना चाहते हैं तो आपको ऋतुचर्या का किस ऋतु में क्या खाना है उस प्रकार से आपका खान पान होना चाहिए। रात्रिचर्या का पालन विशेष है, क्योंकि जब सारी रात जब हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग एक रेस्ट पोजीशन में रहते हैं और एक सम्यक निंद्रा होती है तो वह भी एक विशेष अनावश्यक जो हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है हमारे जो एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाता है, परंतु सम्यक निद्रा यदि ले ली जाती है तो वह निश्चित रूप से आपको इस रोग से निजात दिला सकता है। बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थों का सेवन भी इसको बढ़ाता है और आजकल बाज़ार में चल रही जो जंक फूड्स हैं या फ्राइड जो चीज़ें हैं इनका ज़्यादा खाने के कारण भी यह रोग बढ़ जाता है। दूसरा, यदि आपने पानी को 5 मिनट पहले नॉर्मल रूम सामान्य तापमान का जो कमरे का तापमान है उस तापमान का यदि पानी का सेवन किया है और कुछ देर के पश्चात आप कुछ ठंडा पी लेते हैं, मतलब कहना चाहता हूँ यह है कि यदि पहले खाया हुआ द्रव्य पदार्थ या ठोस पदार्थ आपने खाया है और उसके बिना पचे आपने अन्य भोजन को ग्रहण कर लिया है तो वह भी अपने आप में एक विष की उत्पत्ति करता है जो आपके अम्लपित्त रोग को अम्लीयता को बढ़ाएगा, आपके शरीर में एसिड के प्रोडक्शंस को बढ़ाएगा। दूसरा, यदि आप पानी को बहुत ज़्यादा स्पीड से पीते हैं, उसको घूट घूट करके नहीं पीते हैं, तो वह भी एक तरीके से आमाशय में जाके एसिड को बढ़ा देता है और आपकी जठराग्नि को बंद कर देता है। तो ऐसे में यदि आप भोजन का सेवन करते हैं तो वह भी रोग की दुष्टि या रोग को बढ़ाने का कार्य ज़रूर कर देता है। तो ऐसे में यदि आप एविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ यदि आप करेंगे तो अम्लपित्त रोग जो एसिड के रिफ्लेक्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं धीरे धीरे उसको घटाने में कार्य करेगा। आप कोई भी व्यायाम यदि आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं योग भी कर रहा हूँ मेरा अम्लपित्त रोग बढ़ रहा है, तो ऐसे में योग तभी हो जब आपकी कोष्ठ की शुद्धि हो, जब आपका पेट साफ हो गया हो, विबंध आपको ना हो, मल का अवरोध आपको ना हो और आपको लगे कि
फ्रेश होने के बाद कि शरीर में लघुता हल्कापन आ रहा है, तो इसका मतलब सोचिए कि आप सम्यक मल का जो डिस्कशन है वह आपका हो गया है। तो इस प्रकार से यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, और एक विशेष बात, यदि आप रात का भोजन खाकर सो जाते हैं तो वह भी आपकी अम्लीयता को बढ़ाने का विशेष कार्य करता है, क्योंकि वह अग्नियों की प्रकोपित अवस्था को बढ़ा देता है, उनको एक डोमिनेट होने का एक एनवायरनमेंट या एक माध्यम देता है। जब वह माध्यम सर्व प्रकार से सर्व दोषों की दुष्टि का साथ पा जाता है, तो उसी से संबंधित जो दोष है, विकार है, वह प्रकोपित अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपको मल का अवरोध है तो आप कोष्ठ शुद्धि विरेचन द्रव्यों का इस्तेमाल कीजिए, और यदि मल भी आपका रोजाना साफ हो रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आधा ग्लास दूध, आधा ग्लास पानी और इसमें मिश्री या खांड मिलाकर आप उसको सेवन करें, जिसको दूध की लस्सी बोला जाता है, तो वह भी आपके एसिड के स्तर को घटाने में विशेष कार्य देता है। खाली पेट यदि आप कोई फ्रूट्स खाते हैं तो वह भी आपकी अम्लीयता को बढ़ाएगा। आप कोई भी जूस या फ्रूट आप खाते हैं उसको दोपहर में लीजिए, सुबह सुबह आप 8 बजे तक भोजन कर लीजिए, और इसके बाद भी यदि आपको उसमें आराम नहीं आता है, अम्लीयता में आराम नहीं आता है, तो आप रात को 2 रोटी नमकीन और घी लगाकर उन रोटियों को रख सकते हैं। सुबह सुबह उठते ही उन 2 रोटियों को आप दूध के मीठा मिला के ले सकते हैं, या पानी में मीठा मिला के बच्चों की तरह रोल करके उसको खाइए। तो ऐसा यदि आप 15 दिन तक करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने अम्लपित्त रोग से, हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी के रिफ्लेक्स से बहुत जल्दी अपने शरीर को छुटकारा दिला सकते हैं। कोई भी पदार्थ खाने से पहले आपको यह ज़रूर चाहिए कि वह पदार्थ का पाचन अच्छे से हो, और अच्छे से पाचन के साथ साथ उसका निष्कासन भी बड़े अच्छे से हो। मतलब किसी प्रकार का यदि मलावरोध रहेगा तो आपको ज़रूर कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़े रखेगी और वह ख़त्म नहीं होगी। आप रोज़ाना यदि घूमते हैं तो वह भी आपके इस रोग को घटाने का कार्य करेगा। किसी भी व्यायाम को उसी समय या उसके पश्चात ही किया जाए जब आपका लगे कि मल की शुद्धि या मल का निष्कासन अच्छे तरीके से आपके शरीर से हो गया है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहे हैं पुनः मिलने के लिए। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद।